शुक्रिया शुक्रिया, विराजमान हो जाइए। अर्चना जी वाह, हुडी हुडी वाह। लाइफ आजकल कितनी फास्ट हो गई, आप देखो बच्चे कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता। वो तो बाप की विस्की की बोतल में से जब उसको पानी का टेस्ट आने लगता ना, तब उसको पता चलता है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। न्यूज वाले आजकल कितने फास्ट हो गए आप देख लो। पहले के टाइम पे न्यूज रीडर आराम से न्यूज पढ़ते थे, बड़ा टाइम होता था उनके पास। नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर रोनाल्ड रीगन से मिले। इतना टाइम होता था ना कि इंसान की पोस्ट और सम्मान में श्री और मिस्टर भी लगाते थे। आजकल टाइम ही नहीं है, सीधा बोलते हैं पुतिन मिले बाइडन से, टाइम ही नहीं उनके पास। अरे बताओ तो सही, वो प्रेसिडेंट है, नाम के आगे कोई श्री लगा दो, कुछ कर दो, मिस्टर बाइडन बोल दो। नहीं, लेकिन टाइम ही नहीं है। पहले तो इतना टाइम होता था सस्पेंड होने वाले बंदे का नाम भी सम्मान के साथ बोलते थे। आज खेल आयोग के अध्यक्ष पद से श्रीमती अर्चना पूरन सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। टाइम होता था। फूड भी फास्ट फूड हो गया देख लो आप। मुंबई में स्पेशली आप देखो, लोग वड़ा पाव खाते खाते बस में चढ़ते हैं, पकड़ना पकड़ना। इतना टाइम नहीं है, वड़ा पाव खा रहा है आदमी, बगल में खड़ा भिखारी भी वड़ा पाव खा रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरा क्लाइंट है कि मेरा स्टाफ है, दोनों एक जैसा फूड खा रहे हैं। पहले धोती बांधने में 25 मिनट लगते थे आप देखो। उसके बाद बनियान कुर्ता पहन के 30 मिनट में आदमी तैयार होता था, फिर निकलते थे। आजकल धोतियां आ गई इलास्टिक वाली, सीधे पैर डालो खटक से ऊपर। लेकिन उसका थोड़ा खतरा भी रहता है, अगर आपका खुद का दाया पैर बाएं पे पड़ गया तो धोती। सबसे बड़ी बात, आजकल गाने देखो आप कितने फास्ट हो गए हैं। पहले लोग एक शेर मोहल्ले में 4 मिनट लगा देते थे कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। जब तक सारी ऑडियंस से नहीं पूछ लेते थे अगली लाइन नहीं पढ़ते थे, और उतनी देर में रैपर 2 गाने गा के निकल जाते हैं फटाफट। और ये गाने जो हैं यूथ की जान है, जिसमें एनर्जी हो, लोग पसंद भी करते हैं, जिसे सुन के रगों में जोश भर जाए। तो आज भी यहाँ जोश और एनर्जी हाई होने वाली है, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट रैपर्स यहाँ पे आने वाले हैं। और आपकी हार्ट बीट जो है एक साथ हाई ना हो जाए, इसलिए मैं एक एक करके मंच पे बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम बैड बॉय शाह वरनौली बादशाह। बादशाह भाई, धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। बादशाह भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये प्रिंट दिखाना भूल गया था पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा ये बादशाह ही है जो ये बोल रहे हैं कि लड़की पागल है पागल है, और लड़कियां कह रही है ओ माय गॉड बादशाह। हम किसी लड़की को बोलते हैं लड़की पागल है, कह रही तू पागल, तेरा बाप पागल। इनसे सुन लेती है लड़कियां। पाजी आपका गाना देखा जुगनू, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया मजेदार गाना है। थैंक यू। और बहुत पॉपुलर हो रहा है ये गाना, उसमें कम से कम 3.5 दर्जन मॉडल है। इससे पहले इतनी सारी लड़कियां ना पानीपुरी के ठेले पे पाई जाती थी, इन्होंने आके फेल किया उनको। मैं कसम से, मैंने बाहुबली देखी, कटप्पा के इतने सैनिक नहीं थे जिनकी इतनी मतलब आप समझ गए ना, कटप्पा के इतने सैनिक नहीं थे जिनकी मतलब आपको पता ही है, कटप्पा के इतने सैनिक नहीं थे जितनी मॉडल इनके गाने में आप देखो। हम तो इनको ये भी नहीं कह सकते ना कि दूसरे सिंगर की तरह आप एक मॉडल रख लो, क्योंकि 2 तो इनके पीछे छुप जाती हैं। तो पाजी ने अभी क्या क्या फिट लग रहे हो पाजी आप, और दाढ़ी वाली लुक कमाल। मेरी 2 बॉटलों से आपको दिक्कत है, और खुद जो 3-3 हीरोइनों वाली फिल्में आप करते हो। अरे 3 नहीं पाजी, 4 थी। 4 थी। ये शैतान आदमी ने लिखी थी। हाँ, इन्होंने लिखी थी। हाँ, इन्होंने तो वैसे 2 ही लिखी थी, कपिल पाजी कहते 4 कर दो, 2 ऐड कर दी थी कपिल ने, 2 ऐड कर दो। 2 घंटे की फिल्म में अगर 4 लड़कियां आ भी गई तो क्या फर्क पड़ा, 3 मिनट के गाने में 300 लड़कियां आ रही हैं, वो नहीं मतलब। अच्छा जो अंदाज है ना बादशाह पाजी का, जिस तरीके से रहते हैं, कहते हैंडसम और ऐसे कपड़े शूज मैचिंग शेड्स, बादशाह नाम भी इन्हीं पे सूट करता है। चिंटू पिंटू इनका नाम हो भी नहीं सकता था,
जैसे लोग पैसे कमाते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है. कुछ लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे अर्चना जी ने चार गुंडों में इन्वेस्ट करके रखा है. इनको ज्वेलरी पसंद आ जाए वो लूट लाते हैं, किसी का प्लॉट अच्छा लगे लठ लेके वहां पहुंच जाते हैं. ठीक वैसे ही बादशाह पाजी ने जूतों में इन्वेस्ट कर रखा है. अच्छा पाजी, कितने हजार जूते हैं आपके पास? पाजी 400-500 खरीदे हैं, बाकी खाए हैं. खाए की तो पाजी बहुत कमाल लग रहे हो आप. थैंक यू भाई. आज यहाँ पे महफिल लगने वाली, बड़ा मजा आने वाला है. अब जो अगले रैपर यहाँ पे आ रहे हैं उनका नाम विस्तार से बड़ा राइम करता है, आप बताओ, गेस करो. गिरफ्तार. अपने धंधे से रिलेटेड नहीं बोलने का है. अब आपकी हार्ट बीट्स की रफ्तार और बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जिनका नाम ही है रफ्तार. प्लीज वेलकम. धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत के लिए. रफ्तार आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत शुक्रिया भाजी, आज आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं. बड़ा इंतजार किया मैंने. अरे पाजी आपका नाम रफ्तार है, हमारे शो पे धीरे धीरे क्यों आया? रफ्तार पाजी एक बात बताओ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिषी नाम रखता है उसका, आपका घुड़सवार ने रखा था, मतलब रफ्तार. और आए भी ऐसी रफ्तार से, गाने भी ऐसी रफ्तार से हिट हुए, कमाल है पाजी. एक इसके पीछे क्या? पाजी नाम तो मैंने खुद ही रखा था. अच्छा जी. पहला सूझा था, असली नाम बताओ अपना. हाँ. कलतिल कुड़ील देवदासन दिलिन नायर. वाओ रफ्तार, जितनी तेज तेज गाते हैं इनको एक ही बंदा कंपटीशन दे सकता है, वो जो वो एड में नहीं बोलता, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम का अधीन है, योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को साबित पड़े, योजना की अनुमति बाजार दर में उतार चढ़ाव सहित सिक्योरिटी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों की शक्तियों के आधार पर नीचे हो सकती है. तो ये ऐसी किसी एड का आपको ऑफर आया कि म्यूचुअल फंड वाला पढ़ना है ऐसे आपको? फटाफट भाई खुला ऑफर है, भेज दो कोई. एनीवेज अब बुलाते हैं उन्हें जो अपने अंदाज के राजा हैं. प्लीज वेलकम वन एंड ओनली द किंग. आप सब जानते हैं किंग को प्यार से लोग बदनाम राजा भी बोलते हैं. आपको पता है पिछले जमाने में राजा कब बदनाम होते थे? जब वो दासी के साथ पकड़े जाते थे. मैं इसलिए बदनाम, मैं कभी पकड़ा नहीं गया. ओ वाह ब्रो, पर ये हमसे इतना प्यार करते हैं जैकेट के नीचे टी शर्ट पहनने भूल गया आज. आई लव योर स्टाइल ब्रो. वो बॉम्बे में कहते हैं ना घाई घाई में, तो घाई घाई में मैंने जैसे सुना, मैं घाई घाई पर बहुत अच्छे लग रहे हैं और कमाल के गाने होते हैं आपको. बहुत मुबारक फॉर एवरीथिंग, जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा जैसे अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है पूरे नॉर्थ में, सर्दियों से भी ज्यादा अगर किसी का सीजन चल रहा है तो वो बादशाह पाजी का. अभी इनका इतना बड़ा टूर है दिसंबर से लेके मार्च तक पाजी, और मैंने ट्रेलर देखा उसका, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी फिल्म आ रही कोई. पाजी देखो मोहब्बत कितनी करते हैं लोग आपसे. एशियन लव्स यू. यूथ में तो आपका क्रेज है, यू पीछे अंकल बैठे बादशाह बादशाह, उनकी ताली भी आउटबीट हो रही है. पाजी कहाँ कहाँ हो रहा है आपका टूर? पाजी 8 सिटीज हैं, शुरुआत मुंबई से हो रही है. आप सब प्लीज इनवाइटेड हैं. पूरी दुनिया को पता है कि आपका टूर है. अब देखना आपके पास एक औरत का फोन आएगा फ्री पासिस के लिए. और अगर आप थोड़ा सा फ्रैंक हो, वो कहेंगी रहने का भी इंतजाम हो सकता है क्या बादशाह? पता है बॉम्बे में मेरा घर नहीं है क्या? मैंने आपका नाम लिया चोर की दाढ़ी में तिनका. मेरे सारे ताने एक औरत की तरफ ही होते, वो मैं हूँ. कितना सच बोलती आप. जब बादशाह नए नए इंडस्ट्री में आए ना, इन्होंने कहा था मुझे सिर्फ म्यूजिक करना है. अब आप देख लो ये रियलिटी शो भी जज कर रहे हैं, फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन भी होस्ट कर रहे हैं. कोई तो बता रहा था अब ये जो बुलेट ट्रेन आने वाली ना, ये भी चला लेंगे ये. और क्या क्या कर लेते पाजी? दुपट्टे में जरी वगैरह का काम भी कर हैं, लहंगे पे फॉल वगैरह भी लगा लेते कहते हैं. हां भाई. और कौन कौन से काम बचे पाजी? पाजी एक ना स्पेशल बल्ब आता है. कौन वो एक जो स्पेशल बल्ब आता है उसका ना फिलामेंट रेगुलर बल्ब से ज्यादा थोड़ा हैवी होता है, वो भी हम बनाते हैं भाजी. तो जो फ्यूज होते हैं जो ऐसे हिलती रहती है उसको ऐसे ऐसे करके जोड़ लेते हैं, बनाते हैं भाजी. हमारी फैक्ट्री है है.
रफ्तार जो है इनकी मातृभाषा जो है मलयालम है, लेकिन गाने आप सुनो ज्यादातर हरियाणवी पंजाबी एक्सेंट में गाते हैं, जैसे धाकड़ा धाकड़ा या घना कसूता लागे। पाजी आपको ये बोली पसंद है पंजाबी हरियाणवी, आपको लगता है कि एटीट्यूड इसमें सही आता है? भाई सांबर के साथ आलू पराठा, पंजाब से गुजरात मराठा। हाय हाय, मैं तो भारत हूँ। हाय हाय, क्या बात है। पर रफ्तार, आप घना कसूटा लागे आप मलयालम में गा सकते हैं क्या? तभी तो मैं इसमें हरियाणवी में गाता हूँ। एक बार ट्राई तो करो रफ्तार। भाई साहब वर्ड ही नहीं आ रहे, बचने के लिए तो जवाब दिया था मैंने। देखिए रैपर की दुनिया के बादशाह और किंग तो यहाँ पे मौजूद हैं, अब हम रफ्तार पकड़ते हैं। वाओ। और बुलाते, देखो बड़ी मेहनत लगती है ये सब पे। और बुलाते उन्हें जो हैं तो राजकुमारी, लेकिन उनके नाम में भी राजा है। प्लीज वेलकम राजा कुमारी। ओहो! मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि शूटिंग फिल्म सिटी में नहीं हो रही, कहीं मैक्सिको में हो रही है। वाओ वाओ राजा कुमारी, यू आर लुकिंग फैब, और क्या कमाल का परफॉर्मेंस है। वाओ। और मैं आपको बता दूं, ये हमारी लड़की जो है ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ इनका गाना, जोरदार तालियां हो जाए। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या आ सकती है, उसके बाद सीधा आपको हमारे शो में आने का मौका मिला। वाओ व्हाट अ ग्रोथ। यू अंडरस्टैंड हिंदी? सब समझती हूँ। ओह वाओ, लेकिन बोलनी कुछ मुश्किल है। नो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई कैन आल्सो, आई मीन अभी अभ्यास कर रही हूँ। मैं भी इंग्लिश बोल लेना वहां कहने मतलब है ना, समझाओ। राजकुमारी एक बात बताइए, राजा की जो बेटी होती है उसको हम राजकुमारी बोलते हैं, आप राजा कुमारी हैं, कैसे पड़ा आपका ये नाम? क्योंकि ऑल द मेन शुड कॉल मी किंग। वाओ, क्या बोला? All, King, सब right? आदमी इनको बहुत बढ़िया राजा बोला। राजा बोला। ओह, आप मुझे सिखा दो इंग्लिश, मैं इनसे बात करनी बंद कर देनी है। और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, रैप म्यूजिक में चलता है जिनका सिक्का, जिनको अभी अभी खिलाया हमने पनीर टिक्का। जब पूछा कि कैसा लगा, कहते बड़ा है तिक्खा। और यहाँ आना उनकी किस्मत बना लिखा। क्या बात, क्या बात। प्लीज वेलकम। जी हाँ भाई और बहनों, यमुना पार से आ रहे हैं वन एंड ओनली इक्का इक्का इक्का। ये वेलकम ब्रो, वेलकम। इक्का के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इक्का मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, मैं आपको बता दूं इक्का का असली नाम है अंकित सिंह पटियाल। जब आपको लगा कि बादशाह भी बुक हो गया, किंग भी बुक हो गया, राजा भी होगी, आपके हाथ हुक्म का इक्का ही बचा है, तो ये आपके मन में आया इक्का इक्का कैसे पड़ा पाजी नाम? भाई बचपन में मैंने पापा को बोला, यार पापा अंकित मेरी क्लास में 6 अंकित हैं। अच्छा। मैंने इतनी कंफ्यूजन, मैंने नाम चेंज करूं मेरा। पापा कहते नाम तो चेंज नहीं होगा भाई, छोटा कर देते हैं, अक्की कर देते हैं इसका। अच्छा। मैंने अक्की को उल्टा पढ़ा ना भाई, IKKA इक्का, तो मेरे को नाम से नाम मिला। ये छोटी सी कहानी है नाम की है। इक्का बहुत स्वीट है। मैं जब पहली फिल्म की थी ना किस किस को प्यार करूं, अंकल भाई ने लिखी, तो उसमें रैप इन्होंने गाया था, तो मेरे से मीटर ना पकड़ा जाए, तो ये स्पेशली आए थे ये और डॉक्टर ज़ूस। और लव यू ब्रो, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भाई। आज जब मैंने अर्चना जी को बताया ना कि यहाँ बादशाह इक्का किंग राजा आने वाले हैं, कहती आज तो मैं 1.5 लाख जीतूंगी कम से कम। मैं सारे ताज के पता नहीं सिंगरों के नाम भी होते हैं। अच्छा ये सवाल एक अर्चना जी का है, कहते जैसे आपके नाम बड़े यूनिक है ना, किंग बादशाह इक्का राजा कुमारी रफ्तार, तो ये आपने खुद रखे हैं या रैपर एसोसिएशन वाले लॉट करते हैं आपको? पाजी ये रैपर एसोसिएशन नहीं है पूरी, एक्चुअली यही है पूरी एसोसिएशन, यही है। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट रैपर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है पाजी, आओ मजा करते हैं। और महफिल अभी तो शुरुआत हुई है भाई साहब, अब बुलाते एक और जबरदस्त रैपर को, प्लीज वेलकम डीनो जेम्स। जोरदार तालियां डीनो के लिए। वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम, सुपर्ब। डीनो के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि इनके जितने भी गाने होते हैं ये खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस बनाते हैं। हाँ। जैसे फेलियर इन्होंने तब बनाया था जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ बन नहीं रहा था। गर्लफ्रेंड इन्होंने तब बनाया जब ब्रेकअप हो गया। तो भाई ये जो आपका गाना है कीड़े, ये कब बनाया आपने?
अच्छा हम लोग बीट्स के साथ नाचते तो हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनो कितनी इंस्पायरिंग बातें भी होती हैं, और आप सबकी वजह से कितने सारे यंगस्टर जो हैं रैप की दुनिया में आना चाहते हैं, लिख भी रहे हैं लोग, लिखना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए आइए डिनो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अब वक्त है एक और मेहमान को यहाँ पे बुलाने का, बहुत ही टैलेंटेड है। वाओ। और इनको बुलाने का वक्त इसलिए भी है क्योंकि ये नहीं तो कौन बे। प्लीज वेलकम सृष्टि तावड़े। सृष्टि आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका इतना वायरल हो चुका है ये गाना, मैं नहीं तो कौन बे, ये सच्ची में आपने रैप ही लिखा था कि पहले किसी को धमकी दी थी बाद में लगा ये तो मीटर में है इसका रैप बना देते हैं। ये ना मैं जब ऑडिशन वगैरह देती हूँ या कोई इंटरव्यू में जाती हूँ ना, तो हमेशा बाकी लोग जो साथ में आए रहते ऑडिशन देने के लिए उनको देख के सोचती हूँ कि मैं नहीं तो कौन होएगा सिलेक्ट। एक मेरे को और बात पूछनी है, जैसे जो भी रैप करता है कॉन्फिडेंट तो आप सारे हैं ही, कमाल है, पर एक होता ना कि गुस्सा बड़ा अंदर भरा हुआ है। किस बात का गुस्सा, किसी ने पेमेंट मार ली आपकी, क्या हो गया? मैं तो नहीं गुस्से में, लेकिन अभी कर गई हो भाई, ये कोई गुस्सा? कोई गुस्सा नहीं, थोड़ी गुस्सा होता ये है, ऐसी है ये। बट ये गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं है, ये प्यार, गुस्से में नहीं, वैसे गर्दन पे काट लेती है। इनको तो मान लो कभी अरेंज मैरिज हो, कभी लड़के वाले आए, वो कहते कि सोच के बताएंगे तो पीछे पड़ जाएगी, मैं नहीं तो कौन मैं। लड़का वाले नहीं पापा बताएंगे तो पिताजी को पकड़ ले, मैं नहीं तो कौन मैं। भाई आदाब कपिल साहब। आदाब सर। ये जो है यो मैं एक ही लाया हूँ, आपस में बांट लीजिएगा। वैसे कपिल साहब जी तारुफ तो करवाइए, आज मैं नावेद साहब बन के आया हूँ। मैं तो कहता हूँ आप सॉरी बोल दो। हाँ बच जाओगे, आप आए क्यों हैं वैसे? मुझे पता चला दिग्गज लोग आए हैं यहाँ पे तो मैं चला आया। मैं तो मुशायरे करता हूँ, आप लोग कर दे कॉन्सर्ट। मैंने एक कॉन्सर्ट देखा आपका, मुझे बड़ा मजा आया, इसलिए मैंने भी अब कॉन्सर्ट है मुशायरा करना शुरू कर दिया। आप लोग अपने कॉन्सर्ट के बाद जैसे जैसे ऑडियंस में कूद जाते हैं ना, कुछ दिनों पहले अपने कॉन्सर्ट में मुशायरा में मैं भी कूद गया। नहीं नहीं नहीं, मेरी ऑडियंस ने भी मुझे ऐसे उठाया, पर सिर्फ इतना है कि पहले उन्होंने मुझे जमीन पे गिरने दिया। पर मेरे नीचे आने का शायद वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो एक बार गिर गया फिर उन्होंने मुझे उठाया। भाई उस दिन मैंने दो चीजें समझी। क्या? कौन सी? नहीं सर पे चोट आ गई थी ना, याद नहीं। पर एक बात मैंने सीखी। क्या? कि जब बात याद ना हो तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। पर मुझे एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी? कि मैं बात आपको कोई बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सुनते जा रहे हैं। अरे भाई जी, ये अपने पजामे का नाड़ा आप खुद बांधते हैं कि आपने स्टाफ वगैरह रखा हुआ है? तो हिम्मत है तो बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? मेरी बात हजम नहीं हो रही आपको? इतना भी मुश्किल नहीं है। राजा कुमारी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। अमूमन देखा गया है स्त्री जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, ओ मादा चाहते हैं। नहीं मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरतें जो होती हैं। अरे बोल, समझ गया। औरतों को आज तक कोई नहीं समझ पाया, आप कहाँ से समझ गए? राजा कुमारी, इफ यू वांट मैं इसको कार्गो करा सकता हूँ अमेरिका, वहां पे आप पीट सकती हैं। बड़ा भी फील लाइक डोंट अग्रेसिव यार, मैं यहाँ पर अपने लिए आया ही नहीं हूँ। आई वांट नथिंग, मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए आया हूँ। हाँ मैंने देखा है कि आप लोग जो है यूथ आइकन है, उसको भी थोड़ा कुछ सिखाइए ना जीवन में, वो भी आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ मैं मिला दूँ आपको बेटे से। जी, जी, आ जाओ बेटा, आ जाओ।
Wow, this is amazing. Archana, hi. Hi. Hi, Kapil. Hi. Oh my God, I just love what you're wearing. Kurta ye jali wala, us par choti anki mala. This is amazing. My God. Oh my God. Aap sabhi rappers ko meri taraf se sadar yo. Yo, bro, yo. Oh, yo. All right, here's the thing. Sabse pehle to main jinka sabse bada fan. I had you. Oh, thank you. I had you. Sabse pehle to main jinka bahut bada fan hu. Bacha, he's here. We'll get you up. I swear this is huge. इतने सालों से मेरे मन में बस एक ही सवाल बसा हुआ था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. पूछा? बादशाह जी आपके हाथी घोड़े ये सब कैसे? बहुत पुराना जोक हो गया ये. तो बादशाह को देखते ही कहना कि भाई आपके हाथी घोड़े कैसे हैं, सल्तनत कैसी है आपकी, रियासत कितनी पुरानी बात है. कुछ नई बात करो. जैसे कि क्या? जैसे कि बादशाह मसाले का धंधा कैसा चल रहा है? Dad, this is not done. Huh? I mean, compromises कौन नहीं करता? मैंने भी compromises किए आपकी बातें सुन. I hate you. Thank you. लेकिन आपने कौन सी नई बात कर दी? आपने भी तो पुरानी ही बात की है. देखिए बातें वही होती हैं. बस अंदाज़े में बयां और होता है. I'd like to seriously tell you कि आपके बयान से इस वक्त बदबू आ रही है, जाके उसको बदलिए. वो बयान नहीं है जहाँ से बदबू आ रही है, वो बनियान है. बयान और बनियान के फर्क को समझो. जी डैड. क्या है, बातें बयान कर सकते हैं जी, लेकिन बनियान बातें नहीं कर सकते. बहरहाल अगर बनियान ने बातें करनी शुरू कर दी तो बनियान अपने हक के लिए लड़ेगी कि भाई मैं शर्ट के नीचे क्यों हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? मुझे ऊपर लाया जाए. फिर बनियान को देगा देखी चट्टी लड़ेगी. अब चट्टी कहेगी कि भाई मुझे भी सुपरमैन की तरह पैंट के ऊपर लाओ, मैं नीचे क्यों? पैंट कहेगी कि मैं शर्ट की जगह आना चाहती हूँ, शर्ट को नीचे लाओ पैंट को ऊपर. कपड़े अगर आपस में इस तरह लड़ लिए ना तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. सोचिए कि आपके मोहल्ले में आपका झगड़ा हो गया है, सामने वाला लड़ने आ रहा है और वो चाहता है कि मैं इस आदमी के आज कपड़े फाड़ दूंगा. कपड़े हमारे पास है नहीं, अब वो क्या फाड़ेगा? सोचने वाली बात तो है. Amazing भाई यार. Oh, I am really, really sorry. Really sorry. Very, very sorry. तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं सॉरी इन सबको कह रहा हूँ. अगर मैंने वो बनियान वाली फालतूगिरी बात नहीं बोली होती तो आपकी इतनी फालतूगिरी हम लोगों को सुननी नहीं पड़ती. बट एनी वेज मैं जिस वजह से आया हूँ यहाँ पर, प्लीज लेट्स डू दैट. वो वजह जरा मुझे याद दिलाओगे? वो जो मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना है. ग्रुप में मैं करवा देता हूँ. देखिए प्लीज यहाँ पर लिखा है बादशाह. मेरा भाई खेल गया. अगर आपको अपने ग्रुप में नेहला धेला कुछ चाहिए, नेहला धेला चाहिए, लड़का अच्छा है. नहीं नहीं, अरे क्या टैलेंट भरा पड़ा है भाई, बताओ बताओ मुझे बताओ. जी बिल्कुल, मैं आपको बाबूजी का एक गाना सुनाना चाहता हूँ. यार एक बारी ताली बजा दो इसके लिए. भाई सुनाना भी चाहता है तो बाबूजी का गाना सुनाना. That's so sweet. I'm so touched. सुना सुना. Absolutely. ये बाबूजी का गाना है. बाबूजी का. बाबूजी. मैं भी आपको बेटे का एक गाना सुनाना चाहूँगा. Really great. सबसे पहले तो ये आपके कौन से बेटे का गाना है? भाई तुम अगर बाबूजी का नाम लेके कोई भी गाना सुना सकते हो तो मैं बेटे के नाम में उदित नारायण के बेटे का गाना नहीं सुना सकता. भाई मेरे जैसा बनना आसान नहीं है. ऐसी बात नहीं है, आपकी तरह बनना बहुत आसान है. ये देखिए जिंदगी है तो रास्ते हैं तो मंजिले, यही सरकार ने चीजें की हो गया. नहीं
वेरी टैलेंटेड भाई, देख रहे हैं आप? अरे क्या यार, मतलब ये आवाज भी तुमने निकाल ली। ओ यस, कैसे कर लेते हो यार? मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है यार, मजा आ गया मुझे, मजा आ गया। ये क्या यार, एपिसोड में से एडिट करा देना इसका, ये एपिसोड में से हटा देना ब्रो, रखना नहीं है सब। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, ये सब जाके YouTube पे करो, ठीक है? But that's something for you, कुछ तो आप दीजिए ताकि मैं इन लोगों को सुना था। कुछ मैं तुम्हें देता हूँ। Super cool यार, super cool। ये रहा, ये तुम गाओ, लो। Oh that's amazing. That's amazing. All right, here I go. 5 kilo, 5 kilo चीनी, 2 kilo चाय पत्ती, मसूर की दाल, 2 kilo काली दाल। आते आते धनिया लेते आते। Oh dad, you, this is not done yet. Wow. I need something great. तुमको गाना है तो गाओ, वरना लिरिक्स ना मिलेंगे दोबारा। और फिर भी बहुत होशियारी करनी है तो भाग मिलकर भाग। I'm really sorry. It's okay. मुझे एक मौका और दीजिए ताकि मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। टैलेंटेड है लड़का, एक मौका और देना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देते हैं? हाँ। एक मौका और बनता है, वही बनता All है right. मैं साथ में म्यूजिक भी दे सकता हूँ। दे सकते हो? Yes, look at this. कुछ आएगा भाई अभी? ये आप लोगों ने मेरे बेटे के कहीं और भी माइक लगाया है क्या? और बताया कुछ आएगा? कहाँ से आई है आवाजें? Dad, you have to understand, this is called beatboxing. No, what is it called? Beatboxing. Beatboxing. Yes. इसमें आप खुद ही म्यूजिक निकालते हैं, गाते हैं। And listen, अगर मैं सब कुछ खुद करने लग गया, I'm telling you, lyrics मैं आपसे नहीं लिखवाऊंगा, मैं किसी और से लिखवा लूंगा। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कितने मजेदार कमेंट्स आते हैं? अरे यार, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये पहला फोटो जो है बादशाह पाजी ने डाला है, लिखा है ऐसे ही हूं मैं, रिवीलिंग मोर टुमारो। व्हाट मोर? हैं? रिवीलिंग। आइए नीचे पढ़ते हैं। ग्रेविटी लुटा हुआ बादशाह। किसी ने लिखा, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि हम लगभग 60 लाख साल पहले बंदरों से उन्नति करके इंसान बन चुके हैं और हमने पेड़ों पर पे रहना भी छोड़ दिया है, तो आप भी नीचे उतर सकते हैं। और चाहिए रिवीलिंग मोर बोल के ही रणवीर सिंह ने भी एक फोटो डाला था, और मैं आपको बता दूं, हमें आपको वैसा देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। यार, और दिखाइए, रफ्तार ने ये फोटो डाला है, ओनली द रियल वंस विल सी 4 rupees. ओके ओके, चलिए देखते हैं कमेंट्स। भाई ये 4 रुपए हमें नहीं दिखे, ये तो बताओ एक एक के 4 सिक्के हैं या 2-2 के 2 नोट? उसको रिप्लाई किया किसी ने, काश मैं तुझे रफ्तार के अकाउंट से ब्लॉक कर सकता। ये अच्छा है, ये बता रहे हैं 6 पंक्चर है, टायर बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये चुपके से देखने आए हैं कि पार्किंग में इनका ड्राइवर एसी चला के तो नहीं बैठा है। भाई फोटो खिंच गई हो तो हट जाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। यार ये बात सब भाई का कमेंट होगा। और दिखाइए, इक्का ने फोटो डाला त्रिदेव। आइए देखते हैं कमेंट्स, बस हेलमेट और पहन लो फिर आप चांद पे भी जा सकते हो। इतनी ठंड में इंसान तैयारी के साथ बाहर निकले तो समझ जाओ वो मूंगफली और रेवड़ियां लेने जा रहा है। भाई दोस्तों की मत सुना करो, वो अच्छा अच्छा बोल के कुछ भी पहना देते हैं।
Next. Oh. I feel king. King ne photo dala hai. Like the good old Facebook days. Hi, hi. आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं. ये पक्का अरेंज मैरिज के लिए इस लड़की से मिले हैं, इसलिए इनके बीच में इतना गैप है. रिप्लाई भी आया, भाई देखना एक साल बाद इसी गैप में एक बच्चा बैठा हो. और दिखाइए भाई, इधर उधर भी देखते रहो, पुलिस कभी भी आ सकती है. यार ये अच्छा था, ये अच्छा था. किसी ने रिप्लाई किया, ये पार्क्स में बेंच लगाते क्यों है जब बैठने नहीं देते. उसको किसी ने रिप्लाई दिया, क्योंकि तुम लोग बैठते नहीं हो. डीनो ने फोटो डाला सिर्फ डी. वाओ. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये सोच रहे हैं थोड़े पैसे आ जाएं तो ऊपर छत डलवा लूं. सीएनजी की लंबी लाइन देख के मेरा भी मूड ऐसे ही खराब हो जाता है. मेरा भाई. आपके बाजू में कोई नहीं बैठा, मतलब आप सिंगर के साथ साथ सिंगल भी हो. बारिश, कार और अकेलापन, लगता है ये बार खुलने का इंतजार कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं और दिखाइए. 80,000 पाजी. ये क्या 80,000 मतलब? पाजी एक मीम है ना बड़ा फेमस, 80,000 का जूता है तेरा घर जाएगा, तेरा घर चला जाएगा. ओके ओके. 80,000 के तो नहीं वैसे ही, ज्यादा के हैं. हाँ जी दिखाइए कमेंट्स. वाह भाई 80,000 का जूता, इससे फोन भी हो जाता है क्या? यार या तो रियाज अच्छे से करो, वरना जूते अच्छे लो ताकि भागने में आसानी हो. और दिखाइए. जब दुकान वाला बोले छोटू इसी डिजाइन में 8 और 9 नंबर निकाल. और दिखाइए. रफ्तार ने तो काटा ही मारा नीचे. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं फिर. भाई ये कूलर के आगे पंखा क्यों लगाया हुआ है? किसी ने लिखा अबे वो कूलर नहीं हेलीकॉप्टर है. फिर किसी ने लिखा आधा ज्ञान और भी घातक है. और दिखाइए आगे बढ़ते हैं. रफ्तार भाई इस प्लेन में 2 ही पंखुड़ी है. 3 करवा लो फिर ये प्लेन तेज उड़ेगा. किसी ने रिप्लाई लिखा आपके इस कमेंट के बाद शशि थरूर जी ने आपको अपनी एयरलाइंस का सीईओ घोषित किया है. फिर रिप्लाई है उनकी तो एयरलाइन है नहीं, तू भी कौन सा इंजीनियर है. और दिखाइए कमेंट. ओह इका कम ऑन. मेरे अंदर लालच, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर झांको, मेरे अंदर आप हैं. हाँ ये नीचे कमेंट्स देखते हैं. तेरे अंदर हम हैं, हमको किसका गम है, तू तो टल्ली हो गया, दे दे हाथ में तेरे जो रम है. ऐसी फोटो खिंचाने के लिए या तो आपके पास महंगी गाड़ी होनी चाहिए या महंगी गाड़ी वाला दोस्त होना चाहिए. आगे दिखाइए. किंग ने फोटो डाला अंडरस्टूड. नोट गिन रहे हैं ये. राजा टेंट हाउस. He understood the assignment. पर यार so inspiring, मतलब कहाँ से आपने शुरुआत की टेंट हाउस से? So, हैं? अच्छा इनका नहीं है? Oh, यार. दिखाइए नीचे कमेंट्स. यार. टेंट के धंधे में पैसा नहीं, कटोरी चम्मच गिनने चाहिए, वो हमेशा एक दो गायब होते हैं. बात तो सही है. भाई बहुत टैलेंटेड है, नोट चार्ट के बता देता है कौन सा असली है. नोट को ऐसे नहीं गिनना चाहिए, कुछ लोग नोट को कच्चे में भी रखते हैं. और दिखाइए. नो नजर. वेरी नाइस पिक्चर. राजा को मानी ने फोटो डाला है. आइए देखते हैं कमेंट्स. ये सोच रही है ये ड्रेस ऑनलाइन तो बड़ी अच्छी लग रही थी. आपको देख के याद आया कल एग्जाम है, मुझे ब्लू बॉल पेन खरीदना है.
अब बस आपको मुंह ढकना है, बाकी मच्छर के काटने की कोई जगह नहीं बची। और दिखाइए, डीनो ने ये फोटो डाला है, कहीं जा रहे हैं छाता लेके। आइए कमेंट्स देखते हैं। ये छाते वाला पगार डीनो भाई से उठाता है और छाता लड़की पे कर रहा है। पीछे वाले भाई के दाढ़ी मुछ तो आ गई लेकिन मुंह अभी तक नहीं आया। और दिखाइए, ब्रेक डांस कैप्चर्ड बाय अमा, क्या बात है भाई। दिखाइए नीचे कमेंट्स, जब वो कहे बेबी घर पे कोई नहीं है। सर मैं होटल में काम करता हूँ, आपकी इस फोटो को देख के मैं कह सकता हूँ हर टूटे हुए पलंग के पीछे दो इंसान नहीं होते, कभी कभी एक भी काफी होता है। और दिखाइए, इक्का ने फोटो डाला, कल झूम जाओगे, सूखा भी लिखा साथ में। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, भाई इतनी हरियाली है मुझे तो सूखा कहीं नजर नहीं आ रहा। और आगे बढ़ते हैं, खत्म। दर्द कर गई मेरी पूरी। बेहतरीन डीनो, अभी बादशाह भाई के साथ और इक्का के साथ इनका गाना आया है वो जी, तो जब आप लोगों को बोलते कि मेरा वो आ रहा है तो वो समझ जाते कि वो कौन है, तो वो जो आ रहा है वो हो जाए, वो जो आ रहा है वो हो जाए, आप वो हो जाए, फिर हो जाए, बिल्कुल हो जाए। वाओ भाई वाओ, शाही जूस है। शाही जूस का हुमायूं ने निकाला था ये जूस। यार गेस्ट देखो हमारे, बादशाह, किंग, राजा, तुम्हें क्या लगता है आम चीजें खाएंगे? उनको शाही चीजें चाहिए ब्रो। क्या बात है, क्या बात है, सबको नमस्कार। आज सबने आके हमारे शो में चार चांद लगा दिए और तूने आके चांदों को ग्रहण लगा दिया था। आ गया तू, ये क्या दलेर मेहंदी की घोड़ी बन के घूम रहा है? दलेर मेहंदी की घोड़ी, शेरवानी कहाँ से चुराई तूने? चुराई नहीं है भाई, हाँ बकायदा मैंने बर्तन दे के उनसे ली है। पाजी करने क्या है इधर? मैं एक तो ये ना घोड़ी बनने ही आया था इधर, मेरे को अपने रूप में आने दो। आप मत बजाओ इस बात पे तालियां कि उसको लगेगा मैं छा गया हूँ। उधर फालतू में जैकेट उतारने में तालियां बजा रहे हो। करने क्या है इधर, साफ साफ बताओ। बादशाह पाजी हर एपिसोड में आ जाता है। व्हाट इज हैपनिंग राजू? पाजी मैं आपके पास ना एक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। बहुत अच्छा है, देखिए आपके मिलियंस ऑफ फैंस हैं। हाँ। आप इतना महंगा गाना बनाते हो। हाँ। मैं इधर ठीक हूँ। मिलियंस ऑफ फैंस हैं। हाँ जी। आप इतना महंगा गाना बनाते हो और मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, तो मेरा आइडिया है थोड़े पैसे दे दो। पाजी मैंने अपने इस सिनेमा को 3D बनाना है पाजी, उसके लिए 3D छोड़, तू अपनी विटामिन डी पूरी कर पहले। तेरे पता घुटनों की ग्रीस खत्म होगी ना तो तेरे घुटने भी तेरे मुंह जैसे हो जाएंगे। कैसा तीखा तेरा मुंह, उज़्बेकिस्तान की डांसर जैसा मुंह तेरा। कहाँ से आया पाजी? सिर्फ यही आदमी है जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, अदरवाइज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी इसने अभी भी बोलना सीखा है, यू नो। पाजी मैं इधर उधर की बातों पे ध्यान ही नहीं देता। किधर की बातों पे देते हो? मैं भाई फोकस, मैं बड़ा फोकस है मेरा। किसी ने बिल्कुल खूब कहा है। क्या कहा है? कि वो मुसाफिर पीछे मुड़ के नहीं देखा करते जिनकी मंजिल आगे हो। क्या बात है, ए गुलजार साहब का अंगूठा चूस के आया आज। वो भी पैर का। मेरा दिल करता है पाजी, मेरा यार है ये कॉलेज के टाइम का, अब मैं इसकी मोहब्बत में मैंने कवाली का प्रोग्राम रखाना है और कवालों को बोलना कवाली शुरू नहीं करनी, तालियों में जाते जाओ, एक एक करके मैंने इसका मुंह देना उनकी तालियों में। पाजी इसकी ना इधर हंसी मजाक का काम है, मैं सीरियसली बताता हूँ। जब नर्स ने मुझे पहली बार देखा था ना, देखते ही बोली थी ओए होए ये बड़ा होके रैपर बनेगा। उस नर्स का इलाज भी तो चल ही रहा है अभी। वो भी 40 डिग्री लेके बनी ना नर्स। यार मैं ना वैसे पाजी बड़ा हम्बल गाय हूँ, लेकिन सॉरी मैं अभी वो बात बता दूं पीछे वाली। अभी मुझे बादशाह पाजी पीछे मिले थे अर्चना जी, तो मुझे ना देख के कहते अच्छा हुआ तो कॉमेडियन बन गया रैपर नहीं बना, वरना हमारा कॉम्पिटिशन सीधा तू ही था। यस ये किए इसने हाथापाई शुरू करने वाली बात।
जा राजू जा, ना तंग कर मेहमानों को, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? यार मैं एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को भी डिस्टर्ब नहीं करता है सर, मैं ना बड़ा डेडिकेटेड। दूसरा आर्टिस्ट तो बता कौन है? कोई बात नहीं बाजी, मैं डेडिकेटली बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैंने अपने घर में ना चार्ली चैपलिन जी की फोटो लगाई है और उसके सामने रोज परफॉर्म करता हूँ। हाँ, और उस बात से गुस्सा आ गया, चार्ली चैपलिन पोस्टर में से निकला एक दिन तो छड़ी लेके इसके पीछे भागा, ये तो छुप गया और उन्हें वापस आके खुद अपने हाथों से अपना पोस्टर फाड़ा। कैसा तेरा चुड़ैलों के वॉलेट जैसा मुंह है तेरा, कितना तीखा मुंह, इसमें तस्मे क्यों नहीं डालता? कसम से, तेरे को पता है अर्जेंटीना की जो फौज है ना, उनके फौजियों के जूते ऐसे होते हैं। पाजी आप छोड़ो इनकी बात, मैं सच्ची सच्ची पाजी, मेरे सिर्फ एक सजेशन है, मतलब आपसे चाहिए मेरे को, जैसे आपके इतने गाने आ गए, फिल्मों में आप आ गए, सर अभी मैं इसके शो में आ गया हूँ, टीवी में मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तेरा तो हो गया अच्छा यहाँ आके। पाजी इन्हीं जली कटी बातों की वजह से ना मैं बॉलीवुड में शिफ्ट होना चाहता हूँ। चलो अभी चलो भाई चलते हैं। पाजी सिर्फ मुझे इतनी सलाह दे दो आप कि मुझे जो फिल्म करनी है वो कॉमेडी होनी चाहिए या फिर एक्शन? तू कॉमेडी कर, एक्शन लोगों ने लेना तेरे ऊपर। लिटा लिटा के मार के तेरे को पता, दुनिया में छाना ना, मुंह पे अंडरवेयर पहनना शुरू कर दे, या यूनिक चीज होगी वो भी वी शेप, जो ऐसे वी होता ना वहां पे ठुड्डी फंसा लेना। राजा कुमारी जी इसकी बातों पे मत जाइए आप, बचपन का दोस्त सुन लेता हूँ, लेकिन आप देखिए क्या कमी है मेरे में, क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? नहीं, तेरा या तो तेरी शक्ल ठीक हो जाए या किसी डायरेक्टर की चॉइस खराब हो जाए, क्योंकि 50 साल से मैं देख रहा हूँ तेरा मुंह ऐसा ही है। 50 साल? 35 साल तो मेरी उम्र है। तो 15 साल बाद तू कौन सा टॉम क्रूज बन जाएगा? यही रहना है। बन जाएगा क्या मतलब है, मैं पैदा ही टॉम क्रूज हुआ था। ये आदमी टैलेंटेड तो बड़ा है वैसे, इडली खा के मटन के डकार मार लेता है। अरे इडली खा के मटन के डकार मार लेता है। पाजी मैं पैदा ही टॉम क्रूज हुआ था, मैं बचपन में इतना क्यूट था मुझे देखने के लिए टिकट लगती थी। बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, इसकी चार्ज शीट बनी थी। जैसे बच्चा पैदा हुआ लोग कहते हैं नाम रखो, इसके ऊपर ही नाम रखा, कहते जो ले गया उसको 1 लाख। तो ये है इसकी क्यूटनेस। मुझे बता दे भाई, मैंने नर्स आती ना ऐसे लेके, हाय बेबी बॉय बेबी गर्ल, वही कहती ठाकुर नाम से कौन है, कहते हम, कहते चलो। और बता। पाजी मेरा ये थिएटर है और यहाँ पर ना सिर्फ फिल्में प्रमोट नहीं करता, मैं गाने भी प्रमोट करता हूँ। अच्छा। तो आपका गाना मैंने किया था यहाँ पर गेंदा फूल, तो मैंने अपने पर्सनल बादशाह और जैकलीन रखे हुए हैं, मैं बुलाऊं उनको आपके लिए अभी। हाँ हाँ, बादशाह और जैकलीन बनाए तूने, यार आ जाओ यार। ये बादशाह जैकलीन है, ये उबली हुई जैकलीन, ये कहाँ से लग रहे हैं? ये मेरे पर्सनल पर्सनली रखने चाहिए थे, पब्लिकली क्यों लेके आए इनको? ये मेरे मुंह बोले सास ससुर है पाजी। दामा जी आज मैं कोई सास वास ना हूँ, आज मैं जैकलीन बनी हूँ, लग रही हूँ ना जैकलीन? पेंगुइन लग रही हूँ, पेंगुइन। ओ भाई आप तो पहले से ही लगते थे आपको। अरे इनकी बातें छोड़िए बादशाह जी, मुझ पे फोकस करिए। आप देखो ध्यान से, पहले तो अगर मुंडी मुड़ती है तो मेंढक है ये। अरे पहले यहाँ पे बटरफ्लाई थी, मेंढक आया बटरफ्लाई खा गया। दामाद जी इधर देखिए, इट्स योर बॉय बादशाह। भाई भाई का नाम रख ही देते हैं, ये हादसा है। इट्स योर बॉय हादसा, इट्स योर बॉय हादसा, बहुत बड़ा हादसा है। जाओ जाके कहीं रेत में से शंख ढूंढो आप। कहाँ, इधर क्या करने आए ये? शंख ढूंढो। रैपिंग तो आप सबने की, अगर कहीं मिलके आप इन दोनों की किडनैपिंग कर लो ना, मेरा शो क्लीन हो जाए इसकी भी साथ में। मेरी क्यों भाई, सिर्फ उनकी करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको बादशाह और जैकलीन बनाने की? कैसे हुई? थोड़ा बजट कम था पाजी।
इन पे 2 करोड़ भी खर्च दे तब भी लगेंगे ये। कहा था मैंने कि मुझे जैकलीन की बजाय नोरा फतेही बना। बेड़ा ही कर लो। ये शकरकंदी का बोरा नोरा बनाओ। और सुन मैं तो रोज का 500 दूंगा, इन दोनों को बाहर मत आने दिया कर। मैं तुम्हें 1000 दूंगा, अपने पास ही रख। ये मेरा जमाई है, कमाता है, ये 500 रुपया दे भी देगा, तू कहाँ से देगा बे? इसकी हालत तो ऐसी है, सीट पर पड़े हुए पॉपकॉर्न खाता है ये। सुनो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, देख नहीं रहे हो बादशाह हैं? मेरा मन था कि मैं गेंदा फूल पे उनके साथ डांस करूं। इनके साथ गेंदा फूल क्यों नहीं करती आप? नहीं नहीं नहीं, जब ओरिजिनल मौजूद है तो उनकी क्या जरूरत। बादशाह जी प्लीज। दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान के बेहतरीन रैपर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है तो आप इनको अपना हुनर दिखा सकते हैं। कोई है मेरा भाई, आ जाओ जी भाई साहब। जब फीकी हो जाए, इसका मीठा निकल जाए, इसको साइड पर रख के फिर सुनाना, ठीक है? सर आपके लिए शायरी है। चिंगम अभी भी मीठी है। पानी तो पानी है, पानी पानी होगा। सर आगे तो सुनिए। दोस्तों का दोस्त पानी में पर। पानी तो पानी है, गंगा जल तो गंगा जल है, कॉमेडी तो कॉमेडी है। क्या बात, तू क्या है? पर कॉमेडी तो कॉमेडी है, पर लेकिन कपिल शर्मा के शो की कॉमेडी सबसे ऊपर से सुपर। आजा 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 प्लीज आजा, कोई कुछ कुछ नहीं कहता ये। पर ब्रदर आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर। आगे से मत आना। क्या नाम है आपका, आपने नाम नहीं बताया अपना? अमित सिंह। अमित कहाँ से आए हो आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। मजा बढ़ाया, देखो माहौल बन गया, यही हमें चाहिए था। Thank वो you, अलग बात है कि पानी पानी है। अर्चना अर्चना है। अर्चना मंगल सिंह थोड़ी हो सकती है। पर शुक्रिया। थैंक यू सर। वी लव कपिल। ये देखो बाजी टी शर्ट पहन के आए मेरे नाम की। कहाँ से आए आप लोग? पुणे से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। बहुत। और कोई हमारे दोस्त जो रैप वगैरह गाना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष सागर है, मैं यूपी आगरा से आया हूँ। आगरा से आए? यस। कब छूटे? बहुत बहुत स्वागत है मनीष आपका। थैंक यू सो मच सर। और मेरा काफी लंबा सपना था कि इस शो में आऊं। जो कि भाई ये 3-4 रातों का सपना था भाई का। ये जेब में क्या रखा आपने? सर कुछ नहीं है जेब में। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? अच्छा जी, तो आपका लंबा सपना था जो सर आज पूरा हो गया। पूरा हो गया? हाँ सर। अब क्या करोगे? हाँ सर, मतलब एक रैप लिखाऊं। हाँ। वही सब मैं मतलब सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए सुनाइए। बहुत आठ बहुत आठ। भाई रैपर एसोसिएशन आपसे माफी मांगता है। सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मनीष। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? सब मचाओ, मचाने से ही होता है। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम आसिफ खान, मैं उत्तर प्रदेश, छोटा सा जिला है सिद्धार्थनगर से हूँ। अच्छा। मैं लिखता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी आसिफ सुनाइए। जैसे सिचुएशन ये है सर, हम कोई लड़की अच्छी लगती है जब, तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत भाव खाती है सर। कितना भाव खाती है? बहुत भाव खाती है सर। तो सर उसी के ऊपर ये सॉन्ग है। आसिफ अगर आप सच्ची में लिखते हैं, आपने ये लिखा है, कोशिश करते रहिए और बेहतर हो सकते हैं आप। हाँ, और लहंगा जितना कम लाओ उतना ही अच्छा है। और शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हाय गाइस, लेट्स गो। यो hey, thank you. Superb, bro. Superb. बहुत बढ़िया नीरज, बहुत बढ़िया नीरज। वहां से भी एक हाथ आ रहा है। Oh wow! अरे please. Hello everyone. Hello. My name is Kunjan Gada from Borivali, Mumbai. Kunjan जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ। शुक्रिया जी। जी मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। शुक्रिया।
वाह यार, ये आपने अकेली ने बनाया है? मेरा लड़का है। आपने और आपके बेटे ने? वाह यार, बहुत ही खूबसूरत है मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए आज। आओ भाजी, आज आज की शाम अलग ही मजेदार थी, गीत संगीत के साथ जो हंसी मजाक हुआ। बादशाह भाजी, बाकी हम थोड़े क्या कि जब म्यूजिक वाले लोग आते हैं तो मेरे को पर्सनली बड़ा मजा आता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना खूबसूरत माहौल बनाया। भाजी मैं कुछ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मतलब हम सब लोग ना हिप हॉप रैप करते हैं जी, जिसको आज से थोड़े टाइम पहले म्यूजिक ही नहीं कंसिडर किया जाता, बट थैंक यू सो मच आपने हम सबको इस स्टेज। अरे पाजी, लव यू, लव यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। मोहब्बत के लिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, लव यू ऑल, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।